चलिए आपको 50 साल पहले लिए चलते हैं और देखते हैं घराट संस्कृति। आप सोच रहे होंगे घराट और संस्कृति में तालमेल क्या है, तो जनाब इसमें ताल भी है और मेल भी। क्या घराट के ये घूमते चाक कालचक्र की तरह नहीं लगते हैं? इन चाक का घूमना समय के पहिए पर सवार संस्कृति का वो आईना है जो हमें दर्शाता है कि हम क्या से क्या हो गए। ये वही घराट हैं जो लोगों को 4 बजे बिस्तर से उठा देते थे और सीधा खट का रुख करने को विवश करते थे। खट के रुख का आशय यही है कि जो व्यक्ति मंदोमन कनक कंधे पर लादकर घराट पहुंचाता था वही गांव का जागरूक व्यक्ति कहलाता था। खैर, वक्त ने ऐसा पासा पलटा कि ना अब घराट बचे ना ही घराटी। इन सब पर बिजली की चक्की ने कब्जा कर लिया। यह दास्तां सिरमौर जिला के नोहराधार की है, जहां वक्त बीतने के साथ 80% घराट बंद हो गए। कुछ अभी अस्तित्व में है भी तो वे भी मजबूरी का दूसरा नाम है। सिरमौर का दुर्गम गिरिपार क्षेत्र जहां अभी बिजली नहीं पहुंची है, वहां के लोग इस संस्कृति को सहेजे हुए हैं। घराट का पीछा अपना पसंद करते हैं और चक्की का पीछे में तो तेल खत्म हो जाती है, विटामिन खत्म हो जाती है और काट भी ज्यादा लेते हैं, तो इसीलिए हमारा तो ये है कि 40-50 किलो में हम 2 किलो काट लेते और हमारा भी फायदा रहता है, जिम्मेदारों का भी फायदा रहता है। हम तो घराट का करते पसंद और सब चीजें जो है जैसे हल्दी हो, मसाला हो, आटा हो, सब चीज़ें पसंद करते हैं घराट का। चाकी में जो है हमारा घट जाता है, जिमदार का मतलब घाटा होता है और मतलब ना पूरा होता है, जैसे मतलब काट भी ज़्यादा करते हैं और घराट में जो है सही काम है, जिमदार का बहुत पूरा होता है, खाने वाले का शुद्ध होता है, कोई बीमारी नहीं है, आनंद है। ये भी हमारा घराट है और इसको हमारे को चला के 40-50 साल हो गए जी। और आजकल तो जी बहुत मंदा हो गया जी हमारा काम, जैसे ये चक्की हो गई ना शुरू जी, और आजकल तो बहुत मंदा हो गया जी काम, और पानी भी नहीं है जी, पानी बहुत कम है जी, और आजकल तो बहुत स्लो चल रहा है, जैसे पानी भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही, पानी बहुत कम हो गया जी इसमें। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शोध एवं संकलन संजीव ठाकुर, नोहराधार।